बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बुज़ुर्गों और भाइयों और तमाम नौजवान साथियों, यहाँ पर जो राजू नगर, जो ईदगाह मैदान यानी कि तनवीर सेठ नगर के सामने यहाँ पर बड़ा ईदगाह जो है, यहाँ पर जनवरी 2-3 तारीख को यानी कि जुमेरात जुम्मा यहाँ पर इज्तिमा बहुत बड़ा जिम्मेदारों ने तय कर यहाँ पर रखा गया है। मैं तमाम बहुत सारे जिले, 4-5 जिले के यहाँ पर इस इज्तिमा के अंदर जुड़ेंगे, जमेंगे, बहुत सारी यहाँ पर तादाद यहाँ पर आएगी। मैं तमाम नौजवान साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि जनवरी 2-3 तारीख को जुमेरात जुम्मा को यहाँ पर इज्तिमा तनवीर सेठ नगर के ईदगाह मैदान के अंदर इंशाल्लाह जनवरी को 2-3 तारीख को इज्तिमा शुरू हो जाएगा। तमाम को मैं अभी पैगाम दिया हूँ और आप लोगों के सामने आप लोगों को बात मेरी पहुँचाया हूँ। इंशाल्लाह इस इज्तिमा को जुड़कर सब यहाँ पर जो अल्लाह रसूल की बात चलती है उन बातों पर सुनकर अमल करने की कोशिश करें। अल्हाज तनवीर सेठ साहब को मैंने इज्तिमा की दावत दी तो बाखदा मुझे गलीब चीज़ें यहाँ पर डाला गया है। मैं तमाम डालने वालों से यही कहता हूँ, आप खुद अनख्या से देखिए यहाँ पर कितना कचरा है। जो चीज़ यहाँ पर बोले हैं बस मट्टी अच्छे से गिरावल ला कर डालो, लेकिन यहाँ पर इतने गंदे चीज़ें, इतने वेस्ट चीज़ ला कर डाला गया है। ये ईदगाह मैदान है, अल्लाह के लिए ऐसी चीज़ें ना डालें, ताकि अल्लाह आपको देख रहा है। बस मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, ये सब चीज़ें इसे ना डालें, अल्लाह के लिए नहीं डालें। देखिए आप कितना यहाँ पर गंदा किया गया है, हम कैसे पाक करना है आप देखिए, आप खुद देखिए। ये ईदगाह मैदान है, ये नमाज की जगह है, यहाँ पर अल्लाह की इबादत की जाती है, यहाँ पर इज्तिमा हुआ जाता है। मैं तमाम माँ बाप से डालने वालों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई गलत चीज़ यहाँ पर ना डालें, अगर डालेंगे तो बाखदा एक अल्लाह आपको ज़रूर सजा देगा, और हम गाड़ी अगर से पकड़ लेंगे तो बाखदा कानूनी कार्रवाई आप लोगों को होगी। मैं आपको कैड वार्निंग दे रहा हूँ, उसीलिए आप लोग ऐसी चीज़ें ना डालें। आपकी आंखों से देखिए कितने यहाँ पर कपड़े हैं, कितने गुजरी के चीज़ें हैं, आप खुद देखकर फैसला कीजिए ये ईदगाह के अंदर काम आएगी क्या। आप अल्लाह को डरना है, आप अल्लाह को डर कर लाकर काम करना है बस।